थाना क्षेत्र के फुदकीपुर गांव में एक कलयुगी भाई ने अपनी 25 वर्षीय बहन को चाकू से गोंदकर हत्या कर दी। हत्या के बाद खुद को किया पुलिस के हवाले। आपको बता दें, आजमनगर प्रखंड अंतर्गत दनिहा पंचायत के फुदकीपुर गांव के वार्ड नंबर 13 में एक कलयुगी भाई अपनी ही बड़ी बहन का बेरहमी से चाकू गोंदकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार आजमनगर थाना क्षेत्र के फुदकीपुर गाँव निवासी मोहम्मद शरफुद्दीन के 22 वर्षीय पुत्र शमसुल हक ने 26 वर्षीय बहन महजबी का बच्चलन होने के कारण परिवार के द्वारा कई बार समझाने बुझाने के बाद भी महजबी का चाल चलन में बदलाव नहीं हुआ, जिसको लेकर भाई शमकुल हक और बड़ी बहन के बीच झगड़ा हुआ। और इसी दौरान सोमवार को सुबह करीब 7 से 8 बजे 22 वर्षीय भाई मोहम्मद शमकुल हक ने गुस्से में आकर चाकू से लगातार कई बार हमला किया, जिससे मौके पर ही महजबी की मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों द्वारा घटना की सूचना मिलते ही आजमनगर थाना अध्यक्ष मनीष कुमार रजक अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर हत्यारे भाई शमकुल हक को गिरफ्तार किया और जांच करते हुए घर के बगल में बांस के झाड़ से हत्या किए जाने की 2 चाकू भी बरामद किए और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कटिहार सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं जब इस मामले को लेकर हत्यारे भाई शमकुल हक से पूछ जाने पर बताया, मैं खुद अपनी बहन की हत्या किया हूँ, इसकी वजह है कि उसका चाल चलन खराब होने से कई बार समझाने के बाद भी वह नहीं समझी, इसी को लेकर चाकू से उसकी हत्या कर दी। वहीं बताते चलें कि 25 वर्षीय महजबी खातून की शादी 2 वर्ष पूर्व 50 वर्षीय मोहम्मद जहांगीर के साथ आजमनगर थाना क्षेत्र के औलिया गांव में हुई थी। कई महीनों से पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहते थे। वहीं घटना की सूचना पर पूर्व जिला पार्षद अध्यक्ष जाकिर हुसैन घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की निंदा करते हुए कहा कि समाज में लोगों को कानून का सहारा लेना चाहिए, ना कि गुस्से और आगोश में आकर कोई कदम उठाना चाहिए। इस गांव की एक लड़की शाहजदी है, उसका भाई के द्वारा उन्होंने स्वीकार किया, अपना थाना अध्यक्ष के सामने में स्वीकार किया है कि मेरे द्वारा इसकी हत्या की गई। उन्होंने अपने कारण बताया, इसकी पहले शादी कहीं और हुई थी और डाइवर्स हो गया, लेकिन इस लड़की का उनका जो बयान हुआ, जो उसका कुछ जो कारनामा था उसको पसंद नहीं, उसको नागवार गुजरा, इसलिए उन्होंने आक्रोश में शायद ये घटना का अंजाम दिया। लेकिन उस बंदे को ये मालूम होना चाहिए कि ये भारत देश में एक संविधान है और ये देश संविधान के तहत चलता है, इसमें कानून है, किसी को मारने की कोई आज़ादी नहीं है। और वो स्वयं जिस हथियार जिस शस्त्र से मारा था उन्होंने उसको निकाल करके दिया और यहीं पर यह घटनास्थल है और पुलिस प्रशासन के द्वारा उसको अरेस्ट भी किया गया है और डेड बॉडी अभी पोस्टमार्टम के लिए जा रहा है और गांव का सहयोग से उनको जो मुस्लिम रीति रिवाज है उसके तहत उसको दफनाया जाएगा। मैं जाकिर हुसैन, पूर्व अध्यक्ष जिला परिषद कटिहार। मतलब दोनों चाकू तो दोनों हाथ से चला नहीं सकते हैं, पहला बार मारे थे दोनों हाथ से, फिर दूसरा वाला नीचे रखा हुआ था, हाथ उठाए फिर घुपाए फिर इधर वाला, मतलब दोनों हाथ इधर से उधर, फिर एक रख दे एक ही से काम, मतलब 6-7 जगह उसको जख्म हुआ है। उधर फुदकीपुर भाग कहीं नहीं रहे थे, हम बगीचा में बैठे थे, हमारे गांव का जो प्रधान है उन्होंने बुलाया, यहाँ आया, खुद सिलेंडर हो रहे हैं, क्योंकि इसके मेरे पीछे कोई आगे पीछे है ही नहीं मर्डर करने वाला, मैं खुद किया हूँ मर्डर। जो आप पहले बताया था भाई बहन में ऐसे 4 दिन पहले बुला बुली हुआ था, वो झूठा मूठा इल्ज़ाम लगा रही थी, इसलिए गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ, उसको मार दिया। आपकी उम्र कितनी हो रही है? 24 साल होगा अंदाज। मेरे से बड़ा है, कितने साल ऐसे अंदाजा 26-27 साल।